सॉरी नेक्स्ट है ये हमारा जो है अधूरा रह गया था, तो कहाँ हुए थे ग्लव्स, तो ग्लव्स एक्सटेंड टू कवर रिस्ट आइसोलेशन गाउन, जो आइसोलेशन गाउन होता है उसकी बाजू हमारी रिस्ट तक आती है, कलाई तक आती है, तो वो जो क्लाइज है वो कवर अप होनी चाहिए, ठीक है, ग्लव्स के साथ। आगे है, तो ये तो था हमारा सीक्वेंस में कि हम कैसे कैसे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं हमें कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सीक्वेंस में पहले हमें गाउन डालना है, फिर हमें मास्क डालना है, फिर हमें गॉगल्स डालने हैं, फिर हमें ग्लव्स डालने हैं, इनकी सबसे बाद में हमें ग्लव्स डालने हैं, क्योंकि ग्लव्स डालने के बाद जो है हम कोई भी कोई किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली प्रोसीजर कर सकते हैं। आगे है, यूज सेफ वर्क प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट यूअर सेल्फ एंड लिमिट द स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन होता है दूषित, ठीक है, दूषित यानी कि जो भी चीज़ इन्फेक्टेड हो, ठीक है, लाइक अगर कंटामिनेशन फूड की बात करें, कंटामिनेशन फूड यानी कि मक्खी मच्छरों द्वारा दूषित किया हुआ भोजन कंटामिनेटेड कहलाता है, ठीक है। तो यूज सेफ वर्क प्रैक्टिस, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें सेफली करनी है। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हमें सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है। लिमिट द स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है। आगे है, कीप हैंड अवे फ्रॉम द फेस। जब हम ऐसे रेडी हो जाते हैं तो हमें अपने हैंड जो है वो फेस से दूर रखने चाहिए। लिमिट सरफेस टस्ट, हमें लाइक हम कोई भी चीज़ टच कर रहे हैं, ग्लव्स डाल लिया है हमने, ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ टच कर रहे हैं तो हमें वो लिमिटेडली टच करनी है। ये नहीं है कि मान ली कि प्रोसीजर ख़त्म हुआ और हम किसी भी स्लैब के ऊपर हाथ रख के खड़े हो गए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर जगह इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है, चेंज ग्लव्स व्हेन टोन और हैवीली कंटामिनेटेड, जब ग्लव्स यानी कि टोन मिस होता है, फट जाना, ठीक है, तो जब भी कोई ग्लव्स फट जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, या हैवीली यानी कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाता है, लाइक खून में ख़राब हो जाता है, या किसी भी बॉडी फ्लूड लगकर वो दूषित हो जाता है, ठीक है, यानी कि जिसे हमें लगता है ये बहुत गंदा हो गया, तो उस टाइम हमें ग्लव्स चेंज कर लेने चाहिए। परफॉर्म हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन यानी कि हाथों की हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, साफ सफाई या स्वच्छता। तो हमें अपने हाथों की जो है स्वच्छता इनकी हाइजीन मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट है, हाउ टू सेफली रिमूव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, कैसे हम सेफ्टी से जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमने डाले हैं उनको हम कैसे रिमूव करेंगे। अब जब रिमूव करने की बात आती है तो हम अपोजिट चलेंगे, ठीक है, तो रिमूव पीपीई बिफोर एक्सिस्टिंग द पेशेंट रूम, हमें कब रिमूव करने हैं, जब हम पेशेंट के रूम से बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट के रूम के अंदर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें रिमूव करनी है, तो सबसे पहले हमें ग्लव्स रिमूव करने हैं। तो आउटसाइड ऑफ ग्लव्स आर कंटामिनेटेड, हमेशा हम कोई भी चीज़ अगर हम डाल के रखते हैं रिलेटेड टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो हम उसको हमेशा जो कंटेमिनेटेड साइड है यानी कि जो बाहर की साइड है, जो हमारी वर्किंग में जो भी बॉडी ऑर्गन्स वर्किंग में आ रहा है, ठीक है, तो उस साइड से हम कभी भी नंगे हाथों से उसको टच नहीं करेंगे। तो आउट साइड ऑफ ग्लव्स आर कंटेमिनेटेड, ठीक है, यानी कि जहाँ जो कंटेमिनेटेड है, ठीक है, तो सबसे पहले है ना मतलब एक हाथ से पकड़ के यानी कि लाइक यहाँ से पकड़ा ग्लव्स, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया। जब दूसरा हम रिमूव करेंगे तो हम उसको इनर साइड से पकड़ेंगे, ठीक है, यानी कि हमारी रिस्ट की साइड से मतलब अंदर की साइड से पकड़ेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करते हुए उतारेंगे। आगे है, इफ़ योर हैंड गेट कंटामिनेटेड
contaminated during gloves removal, immediately wash your hand or use an alcohol based hand sanitizer. अगर gloves उतारते time हमारे हाथ contaminated हो गए हैं, यानी कि कोई भी जो है fluid है वो हमारे हाथों से nails से touch हो गया है, ठीक है, तो हमें immediately अपने hand को wash करना है, ठीक है, और क्या लगाना है, alcohol based sanitizer या hand sanitizer हमें लगाना है, ठीक है. तो नेक्स्ट है, उसके बाद पहले हम ग्लव्स रिमूव करेंगे, उसके बाद गॉगल्स और फेस शील्ड, ठीक है. तो ऐसा ही है कि हम जो है अब हेड के पीछे से उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, आगे से हम उसको टच नहीं करना है. नेक्स्ट है गाउन, ठीक है. तो गाउन पुल गाउन अवे फ्रॉम नेक एंड शोल्डर, टचिंग इनसाइड ऑफ गाउन ओनली और टर्न गाउन इनसाइड आउट. यानी कि हमें गाउन को खींचना है, ठीक है, अवे फ्रॉम नेक, अपनी नेक की साइड से और शोल्डर की साइड से. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे टाई कर रखा है पीछे से तो ऐसे कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले हम किसी की हेल्प ले लेंगे, ठीक है, या फिर पीछे से पहले जो है डोर है उनको खोलकर फिर गाउन को पकड़कर खींचेंगे, ठीक है. टचिंग इनसाइड ऑफ गाउन ओनली, ठीक है, हम गाउन को इनसाइड यानी कि अंदर की साइड से ही टच करेंगे. और टर्न गाउन इनसाइड आउट, ठीक है, अंदर की साइड टच करते हुए हम उसको अपनी बॉडी से दूर लेके जाएंगे, ठीक है, जैसा कि इमेज में दिखा रखा है तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है मास्क और रेस्पिरेटर, उसके बाद हम मास्क और रेस्पिरेटर को रिमूव करेंगे. तो मास्क को कैसे रिमूव करते हैं, फ्रंट ऑफ मास्क रेस्पिरेटर इज कंटामिनेटेड, यानी कि आगे से वह मास्क या रेस्पिरेटर जो है वो कंटामिनेटेड होता है, तो डू नॉट टच, ठीक है, हम कभी भी उसको फ्रंट साइड से टच नहीं करेंगे. आगे हैं ग्रास बॉटम टाइज और इलास्टिक ऑफ द मास्क रेस्पिरेटर देन दी वंस एट द टॉप एंड रिमूव विदाउट टचिंग द फ्रंट. फ्रंट को बिना टच किए हम उसको नीचे की साइड खींचेंगे, ठीक है, और जो है उसको वेस्ट डस्टबिन में वेस्ट करेंगे, ठीक है, डिस्पोज कर देंगे किसी भी डस्टबिन में. नेक्स्ट है जो ये नोट मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम को पीपी यूज़ कर रहे हैं या फिर उनको रिमूव कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद हमें अपने हैंड वॉश प्रॉपरली करने हैं. और सैनिटाइज़र जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो हम सैनिटाइज करेंगे अपने हाथों को. तो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं ये हमारी पहली सेफ्टी है, ठीक है, क्योंकि हम दूसरों को सेव करें उससे पहले हमें खुद को सेफ रहना है. ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, मे बी आपको समझ आ गया होगा. और अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.